हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में। केवीएस पीआरटी रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ पीआरटी म्यूजिक के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं और उनकी लिस्ट जो है केवीएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट पीआरटी म्यूजिक का एग्ज़ाम दिए थे और वो अपना रिजल्ट केवीएस के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ ये भी देखना है कि केवीएस पीआरटी का म्यूज़िक का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी 22 और 23 दिसंबर को केवीएस पीआरटी टीजीटी पीआरटी म्यूज़िक लाइब्रेरियन इन सभी के एग्ज़ाम जो है 22 और 23 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराए गए थे। हालांकि पीआरटी म्यूज़िक में कैंडिडेटों की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो कम थे, इस वजह से पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट और लाइब्रेरियन का रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द जारी कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर केवीएस पीआरटी और केवीएस टीजीटी का रिजल्ट कब आएगा और उसकी कट ऑफ कितनी होगी, पीआरटी म्यूज़िक में कितनी सीट्स थी, कितने इंटरव्यू को कॉल के लिए बुलाया गया, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बनाएंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, केवीएस बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है। आपने देखा होगा कि सी टेट एग्ज़ाम जो कि 9 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था, ओनली 25 डेज़ में इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया 4 जनवरी 2019 को। ओके, तो केवीएस भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और उम्मीद करते हैं कि एंड ऑफ द मंथ पीआरटी केवीएस पीआरटी और केवीएस टीजीटी और केवीएस पीजीटी इन तीनों के रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिए जाए। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी म्यूज़िक में। इसके पहले हमने केवीएस पीआरटी और केवीएस टीजीटी के लेकर के कट ऑफ को एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कितने टाइम्स यानी कि कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे पीआरटी म्यूज़िक से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पीआरटी के लिए कितने कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। तब पीआरटी म्यूज़िक में, केवीएस पीआरटी म्यूज़िक में टोटल 201 सीट्स थी, नंबर ऑफ़ सीट्स थे 201 नंबर ऑफ़ सीट्स थे, और जिसमें से 100 जो आपके सीट्स हैं वो जनरल के थे, बाकी 100 सीट्स कैटेगरी में डिवाइड थी। तो उसको आप कैटेगरी वाइज वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं या नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर केवीएस पीआरटी म्यूज़िक के सीट्स को जो है कैटेगराइज करके दिखाया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं केवीएस पीआरटी टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है, बहुत जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा केवीएस की तरफ से। और हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं जहां पर पूरी लिस्ट केवीएस ने जारी की है, जिसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के नेम, डीओबी कैटेगरी और टोटल जो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह है वो सभी को वहां पर दिखाया गया है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीआरटी के लिए कितने कैंडिडेट को, इस पीआरटी के लिए कितने कैंडिडेट को आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं केवीएस पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट पीआरटी म्यूज़िक इन केवीएस, जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पीआरटी म्यूज़िक के जो है कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है और इनका इंटरव्यू वेन्यू फॉर इंटरव्यू न्यू दिल्ली में है। ओके, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, उनके एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर शो किया गया है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, डीओबी, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो 30 जनवरी 2019, यानी कि इस मंथ के एंड में, एंड ऑफ द मंथ जो है ये इंटरव्यू कराए जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8:30 AM है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को इन डेट पर इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही बता दी सीट्स जो थी 201 सीट्स थी पीआरटी म्यूज़िक में। अब देखते हैं यहाँ पर केवीएस ने कितने कैंडिडेट को कॉल किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर आप लिस्ट को पूरा देखेंगे तो कैटेगरी में आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है जनरल कैटेगरी की टोटल है, ठीक है, और ये हो गए 100 कैंडिडेट। फिर इसके बाद आपका पूरे जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए 280 तक हो गए। इसके बाद ऊपर आप चलते जाएंगे तो यहाँ से आपको जनरल कैंडिडेट देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट जो है 264 जनरल कैंडिडेट को क्वालिफाई यहाँ पे कराया गया है, ठीक है।
264 जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई कराया गया है और जनरल की सीट लगभग 101 है पीआरटी म्यूजिक में। यानी कि जनरल के कैंडिडेट को देखा जाए तो थ्री टाइम्स आप ले लीजिए कि थ्री टाइम्स जो है यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को लगभग थ्री टाइम्स जो है यहाँ पे जनरल के कैंडिडेट को कॉल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है जो आपकी यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं सेम, और ये आपका आता है ओबीसी कैटेगरी आती है आपकी यहाँ तक 408 तक। यानी कि ओबीसी में जितनी भी सीट्स थी उसके भी जितने टाइम्स हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को कॉल किया गया है। हम टोटल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, फिर एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, इसके बाद जो है कुछ स्पेशल कैटेगरी है तो वो है। तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे ये लास्ट पेज है, 546 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल कराया गया है। हमने पहले बताया था कि 201 सीट जो है पीआरटी म्यूजिक में है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लगभग थ्री टाइम्स जो है कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। और ये करीब आप देखेंगे तो 30 जनवरी, 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हालांकि इसका भी एग्ज़ाम जो है आपका 22 और 23 दिसंबर 2018 को ही कंडक्ट कराया गया था। और इसके रिज़ल्ट को सबसे पहले डिक्लेयर किया गया है। रीज़न ये है कि इनमें कैंडिडेट की संख्या भी कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, और इसीलिए इस रिज़ल्ट को सबसे पहले डिक्लेयर किया गया है। अब जो है पीआरटी में अगर हम बात कर लें कि पीआरटी में कितने कैंडिडेट को कॉल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो हम बनाए थे जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसके दूसरे तीसरे दिन ये वीडियो हमने एक बनाई थी जिसमें हमने पहले ही कहा था कि लगभग 5300 सीट्स जो हैं पीआरटी में हैं, ओके। और इसके थ्री टाइम्स जो है यानी कि तीन गुने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, थ्री टाइम्स इंटरव्यू यानी कि 16000 के आसपास कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा पीआरटी में, ठीक है। और ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोडेड की थी और कुछ लोगों ने ये कहा था कि नहीं थ्री टाइम्स नहीं, टू टाइम्स ही केवीएस जो है कैंडिडेट को कॉल करेगा इंटरव्यू के लिए। 11 और 12000 के आसपास बता रहे थे, सिर्फ 11 और 12000 कैंडिडेट को ही कॉल करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लेकिन ये रॉन्ग है, थ्री टाइम्स ये कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं, ओके। इसके अकॉर्डिंग हम पीआरटी के कट ऑफ की बात करें तो अब जो पीआरटी की जो कट ऑफ हो सकती है, हमने ऑलरेडी बताया था कट ऑफ जो आपकी होगी लास्ट वीडियो में वो 90 जो है जनरल होगी, 90 या 90 प्लस जो है आपकी जनरल के लिए कट ऑफ होगी। 85 तक कट ऑफ आपकी, 85 या 85 प्लस कट ऑफ आपके कैटेगरी की हो सकती है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, हालांकि एससी एसटी की कट ऑफ जो है 80 तक भी जा सकती है, 82 तक रहती है एससी की कट ऑफ, ओके। तो यहां तक अगर आप मार्क्स हैं तो आप जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर टीजीटी की, ठीक है। टीजीटी में देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है सीटों की संख्या भी, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको थ्री टाइम्स कैंडिडेट को कॉल कराया जाएगा, ओके। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस, टीजीटी साइंस की अगर हम बात करें तो टीजीटी साइंस में आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 290 सीट्स हैं, तो यानी करीब करीब 900 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा टीजीटी में, साइंस में, टीजीटी साइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। और 900 कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया जाएगा जिसमें इसकी कट ऑफ, टीजीटी साइंस की अगर हम कट ऑफ की बात करें, हम सभी कट ऑफ नहीं बताए हैं, सभी की कट ऑफ हमने बाद में अब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। टीजीटी की जो साइंस की कट ऑफ हो जा सकती है वो 90 तक जा सकती है जनरल की कट ऑफ, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि बहुत जल्द जो है पीआरटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने के मूड में है, क्योंकि सभी को रीज़न एक पता है कि सामने क्या चीज़ें हैं, उसी की वजह से जितने भी वैकेंसीज इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी अपनी प्रक्रिया तेज़ी से कर रही हैं। सी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट 9 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था और 4 जनवरी 2019 को इन्होंने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब बहुत तेज़ी से सिर्फ 25 डेज में इन्होंने अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से ये वर्क हो रहा है, तो केवीएस भी बहुत तेज़ी से जो है इनके रिज़ल्ट को जनवरी में ही डिक्लेयर कर देगा पीआरटी के, और फरवरी में, आई थिंक फरवरी में आपके इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। कट ऑफ को हमने बता दी है पीआरटी में 90 प्लस जो है कट ऑफ, या फिर कैटेगरी वाइज जो है 85-82 कट ऑफ हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।